बांग्लादेशी अर्धसैनिक बल प्रमुख ने कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक पंजी के प्रकाशन के बाद बीते दो महीनों में 445 बांग्लादेशी नागरिक वापस भेजे गए हैं। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद शफीनुल इस्लाम ने यहां एक प्रेस के दौरान इन आंकड़ों का खुलासा किया। एक चैनल ने इस्लाम का उद्गित करते हुए कहा कि करीब 1000 लोगों को 2019 में भारत से बांग्लादेश अवैध रूप से सीमा पार करने पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 445 नवंबर दिसंबर में बांग्लादेश आए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा उनकी पहचान सत्यापित किए जाने के बाद बीजीबी को यह पता चला कि सभी घुसपैठिए बांग्लादेशी है। इतना ही नहीं, सीमा सुरक्षा बल ने पिछले साल मेघालय में भारत बांग्लादेश सीमा से 10,000 से अधिक गायें जब्त की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने 2019 में वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करने के लिए कुल 176 विदेशियों को गिरफ्तार भी किया है। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि पिछले साल 31 दिसंबर तक मेघालय में बीएसएफ ने 10,239 मवेशियों को जब्त किया, जिनकी कीमत 16.86 करोड़ रुपए आकी गई है। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान गायों की लगातार जब्ती से सीमा पर पशु तस्करी के प्रयास में भारी वृद्धि के संकेत मिले हैं। उन्होंने बताया कि मवेशियों को हाथ पांव और मुंह बांधकर ज्यादातर ट्रकों में ले जाया जाता था। अधिकारी ने बताया कि राज्य पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में बीएसएफ के जवानों ने 2019 में 3,665 की संख्या में याबा टैबलेट नाम के प्रतिबंधित नशीली दवा भी बरामद की है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन, अ जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।